Start. So first of all, good evening everybody, and thank you so much in सभी को अपना कीमती time निकाल कर मेरी ये training सुनने के लिए. तो हम लोग बात करेंगे online prospecting पर. तो सबसे पहले जानते हैं कि online prospecting क्यों, जब offline भी हो सकती है तो online की हमें जरूरत क्यों पड़ी. तो जैसे कि 90% लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे प्रोस्पेक्ट खत्म हो गए. 90% लोग यही बोलते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स, के हम लोग किसी के बीच पास जाते हैं तो नोन्स तो सीधा मना कर देते हैं. हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो आने की जगह हमें ही पीछे खींचते कि कहाँ किस चक्कर में पड़ गया, क्या ये, जब तक हमारे चेक्स नहीं. तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम प्रोस्पेक्टिंग किसकी करें, कहाँ से लाए लोग. तो इसका आंसर यही है कि ऑनलाइन, फेसबुक पर अनलिमिटेड लोग हैं, जितने मर्जी लोगों की आप प्रोस्पेक्टिंग करो. हालांकि और भी जगह है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, बट इंडिया में ज्यादातर लोग जहां पर एक्टिव है वो फेसबुक है. पहुंच हमें हर जगह अपनी करनी है, जैसे इंस्टाग्राम पर भी हमें कुछ कुछ डालते रहना है, अपनी पहुंच बस वहां पर कर देनी है, कि स्टार्ट कर देना है वहां पर कुछ कुछ एक्टिविटीज करना. इंस्टाग्राम पर भी स्टार्ट करना है, लिंक्डइन पर भी स्टार्ट करना है. बट अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे फेसबुक पर, कि फेसबुक पर किस तरीके से काम किया जाए. तो अगर मैं बात करूँ फेसबुक पर या ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की, तो दो तरह से प्रोस्पेक्टिंग होती है. एक होती है कि हम लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, और दूसरी होती है कि लोग हमारे पास खुद आते हैं, खुद हमसे प्लान मांगते हैं, हमारा नंबर मांगते हैं, हमारा बिजनेस पूछते हैं. तो करनी हमें दोनों ही है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें भी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और ऐसा क्या किया जाए कि लोग भी हमारे पास आए. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमें चीज करनी है, चेंज करना है अपनी प्रोफाइल में. फेसबुक पर हम किसी से जितने मर्जी लोगों से बात करें, जितना मर्जी टाइम दें, लेकिन जो आपका रिजल्ट डिपेंड करता है वो करता है आपकी प्रोफाइल पर, कि आपकी प्रोफाइल कैसी है. क्योंकि अब आप खुद देखो कि आपके पास कोई बड़ी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, लेकिन उसकी प्रोफाइल कुछ ऐसी है, कुछ भी लिखा हुआ है, टिकटॉक की वीडियोस डाली हुई है, या कुछ भी उल्टा पुल्टा पोस्ट डाला हुआ है, ऐसी कोई भी फोटो डाली हुई है, तो क्या आप उससे बात करना चाहोगे, क्या आपको उस पर ट्रस्ट होगा. कोई कुछ बोल रहा था, नहीं होगा. तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का जो आपको डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर, आपके पोस्ट पर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से करना है. हमें जो हमारी प्रोफाइल फोटो है वो ध्यान रखना है कि आपकी सिंगल फोटो हो, मतलब आपके साथ कोई ना हो, सामने वाले को ये पता हो, क्लियर हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ. दो जने की डालेंगे तो वो सबसे पहले तो एक कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं राइट वाले से बात कर रहा हूँ या लेफ्ट वाले से बात कर रहा हूँ. तो ये उसके बाद काफी लोग होते हैं जिनकी भगवान में श्रद्धा होती है, शिव जी में या किसी भी भगवान में श्रद्धा होती है, तो वो उनकी फोटोज कवर फोटो पे, उनकी प्रोफाइल फोटो पे उनकी. तो सबसे पहले देखो कि प्रोफाइल फोटो का मतलब क्या होता है, कि आपकी प्रोफाइल फोटो, आप कौन हो. ठीक है, आपको किसी कोई गॉड अच्छा लगता है, कोई भी अच्छा लगता है, तो आप उनकी फोटोज डाल सकते हो, लेकिन प्रोफाइल फोटो आपकी होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी है, जैसे कि हमारी सिटी, हम कहाँ रहते हैं, हमारी एजुकेशन, हम कौन से स्कूल से पढ़े हैं, हम कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, ये सब हमें कंप्लीट रखना है. उसके बाद हमारी एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज, हमें एक्टिव रहना है. हमें डेली के 2 से 4 पोस्ट, कम से कम 2 पोस्ट डेली डालने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना. पोस्ट में आप क्या डाल सकते हो, जैसे मोटिवेशन पिक हो गई, कोई भी मोटिवेशनल कोट्स डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, अपना लाइफस्टाइल डाल दिया, आप कहीं घूमने गए या आप कुछ भी अपना लाइफस्टाइल डाल दिया, और एक चीज हमारे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है ओके लाइफ केयर का. बेसिकली आप अपने थ्रू जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, अपने बिजनेस का कुछ पहुंचाना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाहते हो, या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी अच्छा मिल गया. तो ये थी हमारी प्रोफाइल की बात. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसको मैं जादू कहती हूँ, जादू, इस पे हम लास्ट में बात करेंगे. लाइव आना, या अगर आपको लाइव आने में हिचकिचाहट होती है, कुछ भी होता है, तो आप वीडियो डाल सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हो स्टार्टिंग के कुछ डेज में. तो इस पे हम लास्ट में अच्छे से बात करेंगे. तो अब बात करते हैं कि हम डेली बेसिस पर कैसे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं.
तो सबसे पहले हमने अपनी कुछ भी करने से पहले पहले तो अपनी प्रोफाइल सेट करना, ध्यान रखना कि आपकी प्रोफाइल एकदम ठीक हो, मतलब आपकी फोटो हो, कवर फोटो में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि ओके लाइफ केयर से रिलेटेड कुछ डाल दिया, या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, या टीम सागर सिन्हा से रिलेटेड कुछ भी वो डाल सकते हो। तो उसके बाद अब डेली की प्रोस्पेक्टिंग में क्या करना है, MEP फॉर्मूला, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, यानी कि आपको किसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपको हाउसवाइफ की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वो आपकी मोस्ट एलिजिबल बेसिकली कि हमारे कॉमन, हमसे कॉमन हो, जैसे कि हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट कौन होगा, स्टूडेंट। या आप रहते हो दिल्ली में तो दिल्ली में आपका MEP दिल्ली वाले लोग, या आपके स्कूल, आप कॉलेज में हो या आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है तो आप अपने पुराने स्कूल के लोगों को सर्च कर सकते हो, तो वो आपका MEP हो गया। या आपकी होम टाउन, आप जैसे आप हो, मान लो आप उत्तराखंड से हो लेकिन आप अभी दिल्ली में रह रहे हो, तो आपके उत्तराखंड वाले भी मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, मतलब मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट ये हो गए कि आपके पास कुछ बात हो गई उनसे करने के लिए। अच्छा आप उत्तराखंड से हो, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, क्या चल रहा है वहां पर आजकल, अच्छा आप उस स्कूल में पढ़ते हो, मैं आपके स्कूल से पढ़ के गया हूँ, या ये कैसे हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आए, तो आपके पास कंटेंट हो जाता है उनसे बात करने का, रेपो बिल्डअप का एक कंटेंट मिल जाता है। उसके बाद रेपो बिल्डअप की बात करूँ सबसे पहले, हाँ MEP में अब आई बात फ्रेंड रिक्वेस्ट की, कि हमें अपनी ऑडियंस बढ़ानी है। हमें ये ध्यान रखना है कि MEP पहले अपने सिलेक्ट कर लो कि हमें किस किस फील्ड में किस किस लोगों के पास जाना है। उसके बाद अपने MEP में 10 लोगों को डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें जिन जिन लोगों ने हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है उन लोगों की हमें प्रोफाइल चेक करनी है, हमें देखना है कि किस तरह का है, इसको क्या क्या पसंद है, या जो भी बेसिकली हमें बात करने का पता चल जाएगा कि इससे क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। फिर उसके बाद जिन लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी उन लोगों को हमें एक सिंपल सा मैसेज भेजना है, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। हमें अपनी उनकी इम्पोर्टेंस उनको बतानी है, ऐसा नहीं बोलना कि मैं आपको फ्रेंड बनाना चाहता था तो मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, कुछ भी, मतलब हमें अपनी इम्पोर्टेंस नहीं दिखानी, उसको बहुत ही प्रोफेशनल और सिंपल वे में थैंक्स का मैसेज भेजना। फिर उसके यानी कि बाद आपने, सॉरी मैम मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं इतना मैं इसमें कहूंगी, आपने फर्स्टली कहा हमें सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजनी है ना, और अगर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो हमें फिर एक थैंक यू का मैसेज उन्हें भेजना है ना, थैंक यू जो आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, इस तरीके से हमें एक मैसेज उनको भेजना है, ठीक है। और आपने सबसे पहली चीज बात करी थी इसमें MEP पर, यानी कि मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट के साथ करेगा, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के साथ, है ना। तो फर्स्टली हमारी MEP पर हुई बात। हाँ जी मैम, हाँ नहीं मैम जी, मैं हाँ जी, बोलूँ, बोलो हाँ, फर्स्ट ऑफ बोलो ऑल बोलो। हमारी बात हुई थी MEP पर, यानी कि स्टूडेंट, क्योंकि कनेक्टिविटी आपस में उनकी हो पाएगी, है ना, स्टूडेंट है तो दोनों आपस में अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, हाउसवाइफ वो दोनों रिलेट कर पाएंगे, इस तरीके से आपने बताया। और प्लेस का भी शायद आपने बताया, अगर हम झारखंड से है तो झारखंड झारखंड, दिल्ली से है तो दिल्ली दिल्ली, वो प्लेस सिमिलर हो करके बात स्टार्ट हो पाएगी कि यहाँ पर ये जो भी प्लेसेस है, जो भी अच्छी जगह है, या डिशेस से रिलेटेड कुछ भी, यानी कि दोनों में एक एक पॉइंट आ जाएगा बात करने का, है ना। तो मोस्ट एलिजिबल में ये हो गया, है ना। सेकेंडली ये तो बात स्टार्ट का हुआ, रिक्वेस्ट भेजने, पहले रिक्वेस्ट भेजी ऐसे पर्सन को, और उससे पहले आपने बताया कि उसकी पूरी प्रोफाइल चेक करनी है, हम, है ना, प्रोफाइल से पता चलेगा वो पर्सन ऑफिशियल है या नहीं, बढ़िया है या नहीं, बिजनेस करने वाला है या नहीं, यानी कि एक तरीके से उसको अच्छे से हम जांच लेंगे, एक तरीके से उसको देख लेंगे, परख लेंगे, प्रोफाइल से हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। तो हाँ, यहाँ तक बहुत बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू मैम, आगे बताइए। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप स्टूडेंट्स की प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते। MEP का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको बस आपको ठीक लगे, आप में कुछ ना कुछ कॉमन लगे, आपको लगे कि हाँ मैं इससे बात कर सकती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हो तो स्टूडेंट से बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। MEP आपको अपना खुद देखना पड़ेगा कि मेरा क्या हो सकता है, ठीक है। इस पे एक वीडियो भी है यूट्यूब पर, सागर सर की वीडियो है, वहां पर स्पेशली MEP की ही वीडियो बनी हुई है, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट की, ऑडियंस की।
तो एक बात मैं इससे पहले क्लियर करना चाहूंगी कि फेसबुक पर हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए, मिलते। प्लान के लिए प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, इसका हमारा सिंपल सा मकसद यह है कि हमें वहां से नंबर निकालना है, नंबर एक्सचेंज करना है, बस इतना सा मोटो है वहां पर प्रोस्पेक्टिंग और चैटिंग करने का। ठीक है, तो अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमने थैंक्स का मैसेज भेजा सिंपल सा, उसके बाद 10 days मैक्सिमम 10 दिन लगाने हैं हमें रैपो बिल्डअप करने में। इन 10 दिन में हम क्या करेंगे, उनको सिंपल गुड मॉर्निंग गुड नाइट इतना मैसेज, ज्यादा बात भी नहीं करनी। ठीक है, और जैसे उन्होंने कुछ पोस्ट डाला तो उनके एक एक पोस्ट को लाइक करना है, कमेंट करना है, बेसिकली उनको इम्पोर्टेंस देनी है, ध्यान खींचना है कि हाँ कोई है, ये कौन है। ठीक है, तो ध्यान खींचना है। उसके बाद 10 दिन बाद हम भेजेंगे अपना असली मैसेज। ठीक है, थोड़ी बहुत रेपो बिल्डअप हो गई, उसके बाद असली मैसेज में क्या आएगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब वो कोई मना तो करेगा नहीं कि क्या हेल्प चाहिए, ऑब्वियसली पूछेगा ही। तो फिर उसके बाद उनसे हमें नंबर मांगना है, उसके बाद यहीं पे हमें अपना पूरा बिजनेस वो पूछेगा कि क्या हेल्प, यहीं बताओगे या कुछ भी। बट अगर आपकी उससे अच्छी रैपो बिल्डअप हो चुकी है, अगर आपकी प्रोफाइल एकदम ठीक है, कुछ उल्टा फुल्टा मतलब ऐसा नहीं है कुछ, जैसे पॉलिटिकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वो डालते हैं, कुछ टिकटॉक का कुछ डाल दिया या फिर पॉलिटिकल कुछ डाल दिया, किसी ना किसी लीडर के बारे में कुछ डाल दिया, हो सकता है जिसकी आपसे अच्छी रैपो बिल्डअप हो सकती थी, आपके उस एक नेगेटिव पोस्ट की वजह से वो आपको अनलाइक करने लग जाए। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें जो भी डाले हम पॉजिटिव डाले। उसके बाद फिर वहां से हमें उसका नंबर निकालना है। नंबर निकालने के बाद देन हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन करनी है, लेकिन हमें जो उसका जो लेकर आना है, प्लान दिखाना है, हमें अपना बिजनेस बताना है, वो ऑनलाइन नहीं बताना, वो ऑफलाइन बताना है। बताया जा सकता है क्योंकि हमारा प्लान बहुत इजी है, पर आप एक चीज देखो कि अगर आपको हजारों लाखों की अपॉर्चुनिटी अगर कोई सिंपल मैसेज में दे दे तो क्या आप ट्रस्ट करोगे? अगर आपको इतना बड़ा प्लान, हमारा प्लान तो बहुत सिंपल है, नो डाउट, बहुत इजीली 10th class का बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन हमें मैसेज में नहीं भेजना, हमें वो दिखाना ऑफलाइन ही। तो ये तो थी हमारी डेली बेसिस पर जो जिस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और सिर्फ यही तरीका नहीं है फोन नंबर निकालने का, यूट्यूब पर लाखों स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको तरीका बताती है किस तरीके से हम बात करें, किस तरीके से नंबर निकालें। बस एक चीज है कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग से सिर्फ नंबर निकालना है, उसके बाद का काम, नंबर निकालने के बाद जो हम फॉलो अप लेते हैं, प्लान जिस तरीके से दिखाते हैं, वो अपना अलग चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डेली बेसिस पर। उसके बाद अब आते हैं जादू वाली बात पर, उसका क्या है कि एक चीज काटूंगी मैम इसमें, मैं आप एक चीज बोलूंगी, जैसे आपने बताया हमें 10 days का रखना है, ये है ना, रैपो बिल्डअप करनी है, थैंक यू का मैसेज बोला, फिर बातचीत शुरू कर देनी है, और 10 दिन के बाद अपना बताना है कि ऐसे ऐसे मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ अपने बिजनेस के बारे में, है ना। रैपो बिल्डअप तो हो गई उस पर, लेकिन जो प्लान बताना है आपने ऑफलाइन बोला, अगर वो बाहर का पर्सन है, बाहर के पर्सन के साथ हमारी प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, तो कैसे ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन, ये किस तरीके से होगा मैम? जूम मीटिंग मैम, जूम पर हाँ, हमें एक ही बारी में नहीं बता देना, कि हमें डेस्पिरेट नहीं दिखना कि भाई हम तेरी वेट कर रहे थे कि तू पूछे और मैं तेरे को प्लान बताऊं। वो पूछे जैसे आप 10 लोगों को, 10 लोगों से बात कर रहे हो तो 10 के 10 लोग आपसे पूछेंगे कि आप बताओ बताओ अभी बताओ, लेकिन नहीं, अगर आपने बताया तो फिर आपने अपनी वैल्यू खो दी वहां पे, मैम अभी मैं बिजी हूँ, या मैम ये बिजनेस, मैम या सर ये बिजनेस हम ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे बताएं आपको, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फोन पर कैसे बताई जा सकती है, मैसेज पर कैसे बताई जा सकती है, तो बेसिकली हमें बिजी दिखाना है। ठीक है, ओके, ठीक है, यस, थैंक यू। तो आगे कंटिन्यू करिए मैम। उसके बाद आते हैं लाइव पर, हमें डेली लाइव आना है। लाइव से क्या होता है, देखो एक तो थी वो प्रोस्पेक्ट, अभी तक हमने बात करी थी कि हम किस तरीके से लोगों के पास जाते हैं, हम अपने बिजनेस बताते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को ब्रांड दिखा दिया कि भाई ये कुछ है, इससे बात करी जाए तो हमारा कुछ फायदा हो सकता है, अगर आप ऐसा बनना चाहते हो तो उसके लिए लाइव एक ही ऑप्शन है, लाइव लाइव लाइव, कुछ ना कुछ ऐसा करो जो सामने वाली ऑडियंस को आप पर ट्रस्ट हो, आप पर बात करना चाहे, उसे लगे कि इससे बात करके कुछ फायदा है, मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है।
अब लाइव में आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ आपने मोटिवेशनल कोई स्टोरी देखी या कुछ कुछ भी मोटिवेशनल आप बोल सकते हो, बेसिकली जो आपकी ऑडियंस है उसको पसंद आए, उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, ऐसा बोलना। और अगर आपको स्टार्टिंग में लाइव में घबराहट होती है कि मैं अभी बोल रहा हूँ कोई गलती हो गई या डिस्टर्बेंस हो गई, घर में कोई आ गया तो क्या होगा, तो आप स्टार्टिंग में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दो। तो ये सब चीजें, तो अगर ये बहुत ही बेस्ट बताया मैम आपने, ये बहुत ही बेस्ट। कई इसमें कई लोगों का रहता है कि हमें लाइव आने में हेजिटेशन होती है, या ये तो खैर स्टार्टिंग का ही होता है, जब एक दो बार लाइव आ जाए तो ये हेजिटेशन दूर हो जाती है, लेकिन शुरुआत अगर वीडियो रिकॉर्ड से करी जाए तो एटलीस्ट उनका जो हेजिटेशन वाला है, स्टार्टिंग का जो फेस है, वो कवर हो जाएगा और धीरे धीरे लाइव आने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद अब लाइव अगर आप आ रहे हो, लोगों को दिख रहा है, और लाइव से अगर लोगों को पसंद आ गया ना, तो आप रातों रात सेलिब्रिटी बन सकते हो लाइव से, ऐसा हो जाता है। मतलब अगर आपकी वीडियोस वायरल होने लग गई तो ऐसा होगा कि अब तक जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे थे ना, वो तो मौका मिलेगा ही नहीं, डेली आपके पास तो 200-200 रिक्वेस्ट खुद से आएंगे, और तब आप छांटोगे कि हाँ मेरे को इसको बिजनेस में लाना है, इसको बिजनेस में नहीं लाना। बिल्कुल, इसमें एक चीज मैं और बोलूंगी, अगर मैं चेतना जी के लाइव की बात करूं, फेसबुक लाइव, कितने लीडर्स हैं जिनके साथ बात चल रही है जो स्टेटस पर इनके फेसबुक लाइव की वीडियो लगाते हैं, बहुत काफी काफी लोगों का अलग, इवन कुछ बेस्टीज से है, कुछ मोदी केयर से है, अलग अलग कंपनी से है जो चेतना मैम की वीडियो लगाते हैं, क्योंकि इनका अधिकतर जो रहता है सॉल्यूशन पर रहता है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हैं हमेशा। और अगर इनके व्यूज की बात करूं तो आप देख ही सकते हैं, इसमें मैं क्या बताऊं, आप खुद जाके देखिए इनके फेसबुक लाइव पर, आपके बहुत से, आपको खुद बहुत से सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो डेली के ऑब्जेक्शंस आते हैं वही इनके फेसबुक लाइव पर है, तो देखिए बहुत बहुत ही हेल्प करेगा उसमें। हाँ जी मैम, कंटिन्यू। लाइव लाइव पर जो लोग गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि लाइव आएंगे तो वेट करेंगे, कोई आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, कोई लाइव कितने जने आए, अगर जीरो होते हैं तो बस वेट करते रहे, चाहे 10-15 मिनट हो जाए लेकिन वेट करते रहेंगे। तो उससे क्या गलती होती है कि अगर आप लाइव को बाद में रिकॉर्ड करोगे ना, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट क्या होगा, जीरो, कुछ भी नहीं है, तो जिसने वीडियो देखना होगा वो भी नहीं देखेगा। तो हमें किसी की वेट नहीं करनी, बस आओ बोलो, चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा, बोल के अपना जाओ, उसको रिकॉर्ड कर दो, शेयर करो, जिसने देखना होगा वो बाद में भी देख लेगा। एक और चीज के जो भी, अगर हम एक साइकोलॉजिकल बात करूं, तो हम लोगों का पेशेंस जो है वो तो खत्म हो चुका है बिल्कुल, तो हम सिर्फ सेकेंड्स में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा वीडियो देखना है और कौन सा वीडियो नहीं देखना। तो एक चीज जो लोग गलती और करते हैं, वो क्या करते हैं कि आएंगे पहले अपना पूरा बायोडाटा, हेलो माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम देयर, आई एम दिस, अपने बारे में बता। लेकिन आप एक चीज देखो ना, कि किसी को क्या मतलब है, फेसबुक पर तो सारे अननोन्स है ना, किसी को क्या मतलब है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। आपका स्टार्टिंग में आओगे, एक मिनट तो ऐसे ही निकल जाएगा अपना बायोडाटा बताने में, तो फिर वो नहीं देखेगा। आपको जस्ट आना है और दो मिनट से ज्यादा का वीडियो स्टार्टिंग में नहीं बनाना। तो आना है स्टार्टिंग में, अपनी सिंपल सी बात कहो, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी मैसेज देना चाहते हो, उसको रिकॉर्ड करके जस्ट शेयर कर दो। स्टार्टिंग में अपने बारे में कुछ मत बताओ, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बारे में जानने में, तो बस। बिल्कुल मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, बहुत। और कुछ मैम, और कुछ इसमें ऐड अप कर सकते हैं? बस मैम, मेरा सेशन तो यहीं तक था, बाकी क्वेश्चंस ले लेते अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका भी क्वेश्चन है चैट पर मी लिख सकते हैं, उन्हें अनम्यूट, प्रख्यात जी चैट पर, एक चैट पर अगर जिसका भी मी रहेगा उन्हें अनम्यूट करके देन वो आगे क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। ओके मैडम, ओके, थैंक यू शांता मैडम। या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, मैं अब्दुल रजाक बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जानकारी चाहिए कि
अगर आपने जिस तरीके से बताया हमने प्रोस्पेक्टिंग की है, बाकी हमने फोन में बातचीत जैसे शुरू की है, अगर उसने हमें ऑनलाइन कुछ इस तरीके से पूछा तो हम उनको नहीं बताएंगे या जूम के माध्यम से बताएंगे। अगर उसी जगह में अगर वो पूछते हैं कि हमें कोई आपका कंपनी का वीडियो भेज दीजिए, कोई पीडीएफ भेज दीजिए, तो उनका क्या सोल्यूशन है? सर जो पीडीएफ, अगर डायरेक्टली पीडीएफ कोई मांग रहा है ना, तो वो फ्रेशर नहीं हो सकता, वो लीडर होगा। जी जी मैम। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी देना चाहिए, मतलब देखना है कि, क्योंकि कई बार जो लीडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपका एक एक घंटा खराब कर देंगे कि हमें कुछ नहीं पता आपकी कंपनी के बारे में, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो आप ही की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे। तो पहले उनकी हमें प्रोफाइल जाके चेक करनी है कि क्या वो कौन सी कंपनी से है, वो क्या करते हैं। अगर वो लीडर है तो आपको उनकी कंपनी की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बेस्टीज के लीडर से बात कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बेस्टीज से ओके लाइफ केयर क्यों बेस्ट है। इसमें मैं एक चीज बोलूंगी, जैसे अगर किसी लीडर से बात चल रही है वेस्टीज का, तो आपको उसमें वेस्टीज का प्लान पता होना चाहिए। इससे कंपैरिजन करने में बहुत इजी हो जाता है, आप उनके पॉइंट को पकड़ सकते हो। अगर AWPL वाले से बात हो रही है तो उसके प्लान के बारे में, यानी कि वो पॉइंट्स पता होने चाहिए जहाँ पे उसको आप क्रैक कर सको, यानी ठीक है। हाँ जी, बाकी और आई थिंक विनीत सर का डाउट है, विनीत सर ने मी लिखा है चैट पे। थैंक यू सो मच विनीत सर का। प्रख्यात जी, विनीत सर को अनम्यूट करिए। अच्छा एक चीज और, अनम्यूट से पहले एक चीज और बोलूंगी चेतना जी, कुछ लेडीज का रहता है, खैर हमें भी था, लेकिन कुछ लेडीज का रहता है कि उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा और उसके बाद बढ़िया सा नहीं रहा, यानी कि अच्छे लोग नहीं टकरे पंजाबी लैंग्वेज में, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो उनको क्या करना चाहिए? लेडीज को तो बहुत अवेयर रहना है, बट ये नहीं है कि लेडीज का ना, काफी लेडीज होती है जो डर जाती है कि हम कैसे अननोन से बात करें। बिजनेस स्टॉप हो गया है आई थिंक। मेरी वॉइस विनीत सर, एक मिनट यहाँ पे ना, कुछ लेडीज का और गर्ल्स का डाउट है जो मुझे लगता है लेना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पर कुछ से बात होती है लेडीज से जिन्होंने स्टार्टअप किया होता है, और स्टार्टअप के बाद कुछ उनको मैसेजेस की वजह से या वैसे वो स्टॉप हो जाती है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है चेतना जी? हाँ जी मैम, तो लेडीज का यही है, सबसे पहले तो ये कहूंगी कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है कि हम किसी की ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करें। और दूसरी चीज, लेडीज को रेपो बिल्डअप लेडीज टू लेडीज तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन मेल से हम जब बात करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें रेपो बिल्डअप तो करना है, लेकिन प्रोफेशनली, एकदम प्रोफेशनली बिल्डअप करना है। जहां हमें लगे कि ये गलत है, देन अगर वो आना भी चाहे तो भी उसको नहीं लेकर आना। और दूसरी चीज, उनके सारे क्वेश्चन का ना बहुत ध्यान से, बहुत प्रोफेशनली जवाब देना। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोई फालतू के क्वेश्चन पूछे कि ज्यादातर लेडीज का मैंने जो ऑब्जेक्शन सुना है वो क्या सुना है कि मैं अकेले प्लान देखना चाहता हूँ, मतलब मैं ऑफलाइन नहीं, से अकेले प्लान देखना चाहता हूँ। तो वहां हम क्या कह सकते हैं कि सर अगर आपको प्लान ही देखना है, मैं अपने सीनियर्स के साथ ही प्लान दिखाती हूँ, या इस तरह का कुछ भी प्रोफेशनल, कि आपको प्लान ही देखना है ना, तो चाहे मैं दिखाऊं चाहे मेरे सीनियर्स आता है, तो इस तरीके से। और कई क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आप क्या कर रहे हो, तो उनको हम बहुत ही प्रोफेशनली वे में, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने वर्क में बिजी होती हूँ, या हमें जहाँ लगे कि आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है, देन उसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि दिस इज ए बिजनेस अकाउंट। मेरे पास अगर कोई ज्यादातर मुझे कुछ ऐसा लगता है तो मेरा डायरेक्टली यही मैसेज आता है कि दिस इज ए बिजनेस अकाउंट, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग या ओके लाइफ से रिगार्डिंग, देन ही आप मैसेज कीजिए। तो सिंपल, बस प्रोफेशनल रहना, ये ध्यान रखना कि प्रोफेशनल। एक चीज मैं और बोलूंगी मैम, हम जब प्रोफाइल में कई बार देखते हैं, प्रोफाइल तो अच्छी खासी लगती है, और अगर मैं प्रोफाइल पिक की बात करूं तो वहां भी गर्ल या लेडी की पिक लगाई होती है, लेकिन उसमें भी कुछ महान टकर जाते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देख के पता चल जाता है, वो प्रोफाइल देख के हमें पता चल जाता है, फोटोज देखकर ना वहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये फेक है, मतलब रिया प्रिया वाली जो होती है ज्यादातर, वो हमें फोटोज देख के अंदाजा। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है शायद ब्लॉक, अगर किसी ने स्टार्टअप कर भी दिया तो उसके बाद जैसे बात शुरू कर दी, कुछ ऐसे हो गए, तो क्या करना चाहिए उसके बाद? जो मुझे लगता है ब्लॉक का ऑप्शन, क्योंकि अगर हम उन्हें बिजनेस में लेके आए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी दिक्कत होगी, जो हमारी और भी टीम होगी वहां पर भी फिर नेगेटिव इफेक्ट ही जाएगा। और एक चीज और, कि
हमारे यहाँ पर किसी को लेकर आने के बाद वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो क्या आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहोगे? नहीं बिल्कुल मैम. अब इसमें मैं एक चीज बोलूंगी, चेतना जी आपकी एज कितनी है? 19 इयर्स है मैम. 19 इयर्स, जो कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग बहुत कहते बहुत ही धड़ल्ले से कर रही है और बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्टिंग. तो इसमें मैं कुछ गर्ल्स और लेडीज के लिए कहना चाहूंगी, जब ये कर सकती है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, तो आप लोगों के लिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, है ना. तो बहुत से ऐसे डाउट्स मेरे पास रोज आते थे जिन्हें मैं ब्लॉक बोलती थी हमेशा, कि हाँ अगर ऐसा कुछ आ रहा है, आपने स्टार्टअप कर दिया तो ब्लॉक कर दीजिए, आगे नेक्स्ट, यानी कि एक से हुआ नहीं सही, नेक्स्ट 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 पर आते जाइए. तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जब 19 इयर्स की जो गर्ल है वो मास्टर बन चुकी है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की, मैम आपको टकरते हैं ऐसे लोग? बहुत बहुत टकरते हैं, बहुत ज्यादा. तो आप ऐसा क्या करती हैं फिर? यही जस्ट, हमें गर्ल्स के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, गर्ल टू गर्ल. और बाकी ध्यान में बस माइंड में रखो कि प्रोफेशनली हर चीज का आंसर प्रोफेशनल. इशा मैडम सिर्फ 4 मिनट बचा है, प्रशांत सर, विनीत सर, उसको थोड़ा डाउट है मैडम, थोड़ा उसको चांस. ओके 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 ओके. प्रशांत सबसे पहले, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है. सर आ रही है. चेतना मैम कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आज 54 लोगों ने इस सेशन को सुना, बहुत अच्छा लगा और कॉन्ग्रेचुलेट आपको मैम. दूसरी चीज मेरा जो डाउट है ये कहना है कि सपोज दैट दिल्ली का कोई बंदा है, कल अभी मेरी बात हो रही थी, प्रोस्पेक्टिंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि अगर मैं उसे ऑनलाइन या जूम पे बताता हूँ तो क्या बताऊंगा क्या नहीं बताऊंगा. मैंने वो लिंक शेयर किया जो अपने का मीटिंग का 1 घंटे का है, मैंने वो लिंक भेज के रजिस्ट्रेशन कराया, तो क्या मैम ये सही होगा या मुझे खुद प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी? सॉरी प्रोस्पेक्टिंग नहीं, शो द प्लान मुझे खुद करना होगा, या मैंने वो लिंक शेयर कर दिया और वो बंदा वहां से लिंक देख लिया, तो ये कैसे होगा मैम? ठीक है, लिंक शेयर, बस लिंक जो हमारा वेबिनार लिंक होता है, लाइफ प्लान जिसमें शो होता है जी, तो लिंक बहुत बेस्ट है. लिंक तो है इसलिए कि हम अपने प्रोस्पेक्ट वहां बिठाएं. हमें ऑनलाइन, ये भी सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसे कई लोग होते हैं जो अब हम लिंक या वीडियो उनको भेज रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं हमें आप ही से देखना है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज वही बात की, हमने आपसे बात किया तो आप ही से देखेंगे. बट अगर कोई वीडियो देखने के लिए और वेबिनार देखने के लिए रेडी है तो उसको वो सेंड करो, वही सेंड करना है, क्योंकि हमारे वेबिनार है ही इसीलिए कि हम अपने प्रोस्पेक्ट वहां बिठाकर अपना टाइम सेव कर सकते हैं. थैंक यू मैम. अगला क्वेश्चन, हरी अब टाइम ओवर होने वाला है. थैंक यू विनीत सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक निशान सर का है. जी 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 मैम, गुड इवनिंग मैम. मैम ये पूछना था, जो हम फेसबुक लाइव आ रहे हैं तो वहां पे ये डेली करना है या कुछ उसमें गैप रख के कंटिन्यूएशन रखना है उसका? डेली सर. ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच प्रशांत सर. आई थिंक अभी मनु जी का भी डाउट है. जितना जी प्रख्यात जी, अभी मन्यू जी को अनम्यूट करिए. अनम्यूट कर. हाँ मैडम, मैडम गुड इवनिंग मैडम चेतना मैडम. मेरा एक क्वेश्चन है मैडम, ज्यादातर लोग हम लोग लड़की को जो भी हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ नंबर नहीं देता है, क्योंकि ना अजनबी क्वेश्चन पूछता है, फिर हम लोग उसको कैसे तरीके से बात करूंगा और क्या बोलूंगा पहले, ये मेरा क्वेश्चन. कैसे नंबर कैसे लेते, मतलब क्या बोलते हो नंबर लेने के लिए? यस, मैक्सिमम हमारा उड़ीसा में ऐसे होता है मैडम. फिलहाल अभी मैं उड़ीसा में हूँ, गांव में हूँ, फिलहाल ऐसे हो रहा है सर. मैं चाहता हूँ मैं उड़ीसा में टीम बनाऊंगा, फिर ये क्या बोलूंगा था ऐसे टीम ग्रोथ होगा, ये मेरे को थोड़ा आइडिया दीजिए मैडम. सर वही तो, मतलब पूरी वीडियो में वही तो बताया था, मतलब आप उनको नंबर लेने के लिए कैसे कैसे क्या मैसेज करते हो? जैसे कि मान लीजिए मैं हेलो हाय ऐसे करने के बाद में मैं ऐसे मांगता हूँ आपका नंबर मेरे को चाहिए, मैं एक बिजनेसमैन बिजनेस का काम कर रहा हूँ, ऐसे मैं लिख के भेजता हूँ. उसके बाद में वो लोग डर जाते हैं, क्या होता है नहीं नंबर नहीं भेजता है मैडम, लेकिन अच्छे अच्छे इंसान है, प्रोफाइलिंग उसको चेक करता हूँ, अच्छी अच्छी इंसान है, अच्छी लिखी पढ़ाई लिखा है, बट नंबर शेयर नहीं करता है. तो सर वो ऐसे कैसे नंबर शेयर करेंगे? वो अच्छी है ठीक है, लेकिन आपको भी तो दिखाना है ना कि मैं भी कुछ, मतलब मैं ट्रस्ट दिखाना है कि हाँ मैं ट्रस्टेबल हूँ, मेरे पर ट्रस्ट करके आप दे सकते हो. तो वही पूरी वीडियो में जैसे मैंने बताया था सर, एक तरीके से हमें उनको भेजना है. सबसे पहले जिसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी उसको थैंक यू का मैसेज भेजो, उसके बाद 10 दिन तक आप रेपो बिल्डअप करो,
देन उसके बाद उनको मैसेज भेजो कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ. ऐसे किसी को हम नॉर्मली भेजेंगे कि आपका नंबर चाहिए तो कोई नहीं देगा, गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं देंगी. दूसरी चीज लाइव आना, ये सब. थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. आई थिंक और किसी का डाउट नहीं है. सिर्फ एक मिनट है. अभी 1 मिनट ओनली 1 मिनट.